तो कैसे हो दोस्तों, आज भी मेरे पास YouTube कम्युनिटी की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो बात करते हैं किंग वर्सेस एमएमए बंटाई के लफड़े के बारे में। हाँ भाई, हमें इनके बीच काफी क्रेजी लफड़ा स्टार्ट होने को दिख गया है और एमएमए बंटाई तो किंग के ऊपर एक डिस्टैक भी निकालने वाले हैं। बेसिकली होता यह है कि एमएमए बंटाई ने एक फोटो शेयर किया था जिसमें लिखा होता है रोको एंड नीचे लिखा होता है #FlushWhatTheSay। और इसके बाद यार हमें इसके ऊपर किंग का भी रिएक्शन देखने को मिल गया। किंग ने एक थ्रेड किया था जहाँ पे वो कहता है हाँ हाँ कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला है। इतना ही नहीं, इसका रिप्लाई करते हुए किंग ने एक पोस्ट भी किया था जिसके कैप्शन में वो क्या लिखे आप पढ़ सकते। तो हाँ, इन दोनों के बीच में हमें काफी जल्दी एक लफड़ा देखने को मिलेगा। इसकी सारी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। नेक्स्ट न्यूज में बात करते हैं अल्विश यादव के बारे में। तो इनका भी एक नया लफड़ा चालू हो गया है द रेंटिंग गोला के साथ में। रेंटिंग गोला एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है भाई, जो कि पॉलिटिक्स के बारे में वीडियोज वगैरह बनाती रहती है और ये अपने मोस्टली वीडियोज में मोदी जी को टारगेट करके पोक वगैरह करती रहती है। तो होता क्या है कि रेंटिंग गोला का ट्विटर पर एक वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पे रेंटिंग गोला मोदी जी का मजाक उड़ा रही थी। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लो। मित्रों, दिल्ली में बरसात हो रही है तो रिमाइंडर देना था कि नई संसद बिल्डिंग में नीले रंग की बाल्टी रखवा देना। इसी वीडियो को शेयर करके रेंटिंग गोला ने ट्वीट किया था कि जस्ट सेइंग इट इज रेनिंग, बाल्टी रखवा लो, पाओ पाओ। तो रेंटिंग गोला के इसी वीडियो का हमें अल्विश यादव की ओर से भी रिएक्शन देखने को मिला जिसमें वो कहते हैं कि आई सपोर्ट IGBTQ। आप समझ गए होंगे कि अल्विश यादव क्या कह रहे हैं। और इसके बाद रेंटिंग गोला ने अल्विश यादव का दोबारा से रिप्लाई किया जिसमें वो कहती है ईडी ने तुझे खुला छोड़ दिया। नेक्स्ट न्यूज यार काफी ज्यादा शॉकिंग है कि यार जो इंडियन रेसलर है विनेश फोगाट, उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसका रीजन जान के आप भी शॉक हो जाओगे जस्ट बिकॉज यार उनका जो वेट है वो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा है और एक रेसलर का वेट 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या ये सही है, आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। तो नेक्स्ट न्यूज में बात करते हैं करंट बांग्लादेश कंडीशन के बारे में। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था। लेकिन यार बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स यूट्यूबर फिलिस्तीन को सपोर्ट किया करते थे और वो लोग यार बांग्लादेश के मैटर के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। तो इसी पूरे सीन के ऊपर लक्ष्य चौधरी के जो दोस्त है हर्ष डाका, उन्होंने एक रील अपलोड किया था जहां पर उन्होंने इन सारे टाइप के लोगों को एक्सपोज किया जो बांग्लादेश के बारे में बात तक नहीं कर रहे। क्या कुछ कहे हर्ष डाका, देखिए। आपको याद होगा जब सारे सेलेब्स ने ऑल आइज ऑन राफा की स्टोरी शेयर की हुई थी, लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदूज को खुलेआम मारा जा रहा है तो इस बारे में कोई बात करते हुए नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं सेलेक्टिव एक्टिविज्म, जो कि फाइनेंशियल और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के रिजाइन करने के बाद वहाँ प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए और हिंदुओं को उनके घरों में घुसकर मारा जाने लगा, उनके बिजनेसेस और दुकानों को जलाया जाने लगा। साथ ही में हिंदू टेम्पल्स पे भी अटैक्स किए जा रहे हैं। ये बांग्लादेश के स्कॉन टेम्पल की एक फोटो सामने आई है जहां इन्होंने पूरे टेम्पल को जला दिया है। एक जर्नलिस्ट प्रदीप कुमार भौमिक को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स ने मार दिया है, लेकिन एक्स पे अभी भी कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इन पूरे इंसिडेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में सिचुएशन कितनी न्यूट्रल है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं वो खुद सोशल मीडिया पे आकर इन चीजों को कंफर्म कर रहे हैं। सो शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस बार आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को तो फंड नहीं मिला तो वो तो नहीं करने वाले, एंड इस चीज का पूरा एक डिटेल एनालिसिस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा।